Hi, good evening to everyone. I'm Kapil, your host for this Change Makers Club session. और आज हम लोग फिर से एक बार इस session में आए हैं. आज हमारे साथ में जो हमारे guest हैं, वो हैं हमारे Education and Child Right Advisor, Dr. विशेष कुमार गुप्ता जी. सर का इंट्रोडक्शन में अगर आपको बताऊं तो 37 years का एजुकेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में, और बहुत सारी बुक्स के ऑथर हैं सर. लगभग 2500 से ज़्यादा आर्टिकल्स लीडिंग न्यूज़पेपर्स में लिख चुके हैं. और अभी भी एक रीसेंट जो मैं आज ही अभी सर से बात कर रहा था 3 घंटे पहले ही, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक आर्टिकल शेयर किया है कोटा के ऊपर, कोटा की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर. और वो आर्टिकल किसी और का नहीं, हमारे आज के एडवाइजर डॉक्टर विशेष गुप्ता जी का ही है. तो ये बहुत अच्छा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सर आप यहाँ पर आए. आपका बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, सर ने 2018 से 2021 तक जो हमारा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट कमीशन है उसको चेयर किया है, उसके चेयरमैन रहे हैं. और उसके बाद में अभी भी बहुत हद तक जो चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें सर सक्रिय रहते हैं. और इसीलिए आज का जो ये टॉपिक है, इस पूरे जो थीम है इस पूरे सेशन की, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के इर्द गिर्द आपको नजर आएगी. तो सर सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूं, उससे पहले मैं चाहता हूं आप एक बार संक्षिप्त अगर अपना परिचय देना चाहें. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और सबसे पहले तो मैं परिवर्तन जी चेंज और कपिल कुमार आपकी पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ. इसलिए बधाई देता हूँ कि समाज के बहुत कठिन कार्य को आपने विभिन्न आयामों में काम करते हुए इतनी सुलभता से समाज में संदेश दिया है कि अब उसकी प्रतिष्ठा अब इतनी बढ़ रही है धीरे धीरे कि निश्चित तौर पर लोग महसूस करने लगे हैं कि ये मुश्किल काम था जो आपने बहुत सुलभ किया. मैं बहुत लंबे समय से चूंकि गांव का रहने वाला था और बहुत समस्याओं को नज़दीक से देखा है, और विषय भी इत्तेफाक से मेरा समाजशास्त्र चुना. और समाजशास्त्र विषय को जब मैं आया था 79 में हिंदू कॉलेज से मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी. 1980 में महाराज हरिश्चंद कॉलेज में मैं प्रवक्ता बना, और उसके बाद फिर समाजशास्त्र तब तक तो नहीं समझ पाया था मैं जब तक मैंने इसके सिद्धांत पढ़े. चूंकि मैं भले ही मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया, फर्स्ट क्लास मेरी रही, लेकिन समाजशास्त्र को मैंने व्यवहारिक रूप से तब समझा जब मैं समाज की समस्याओं को लेकर उन सिद्धांतों से जुड़ने का मैंने प्रयास किया. तो उसके बाद धीरे धीरे फिर चूंकि टेस्ट मेरा ऐसे, चूंकि मुझे ऐसे शिक्षक मिले, इतने अच्छे शिक्षक मिले, चूंकि हम कहते हैं ना कि कभी कभी जब आपको किसी की प्रगति मांगनी हो तो 2-3 चीजों को देखिए, आपके उसका परिवार क्या है, उसकी स्कूलिंग कैसी है, उसके साथ वाले लोग कैसे हैं, कंपनी कैसी. तो जो कंपनी हमारी थी जिसको हम पीयर ग्रुप कहते हैं, कीड़ा समूह कहते हैं, वो इतना अच्छा मिला निश्चित तौर पर जिसने हमारी जिंदगी को बदल दिया. वहां से समाजशास्त्र में पढ़ना शुरू किया. फिर मेरे ख्याल से सैकड़ों सेमिनार हमने अटेंड की जिसमें से 40-50 रिसर्च पेपर हमने उसमें सबमिट किए. विदेशों की सेमिनार में हम लोग गए, तो फिर एक टेस्ट पढ़ता चला गया. और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी मुझे दबाव से बनाया गया था, NSS का कॉलेज में दबाव से जी. लेकिन हमने स्वभाव का इतना अच्छा काम किया और प्रदेश को इतना पसंद आया कि 3 प्रोग्राम ऑफिसर को 96 में पुरस्कार दिया गया था, जिसमें मैं भी था फील्ड में काम करने वालों के लिए. उसका लाभ मुझे ये मिला कि मैं फिर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का 2001 से लेकर 2005 तक NSS का कोऑर्डिनेटर रहा था. अच्छा. और जो करियर काउंसलिंग या फिर ये कहिए कि जो स्वयं पोषित संस्थाओं में, चाहे वो इंटरमीडिएट कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, इसमें सब में NSS को देने का काम हमने किया था. तो आज कम से कम सभी सेल्फ फाइनेंस इंटरमीडिएट कॉलेजेस में NSS के साथ बच्चे पढ़कर समाज का काम कर रहे हैं जी. इसके बाद फिर वो काम चूंकि ठीक लगा और उसमें भी मैं बेहतर रहा, तो फिर मैं 2006 से लेकर 2009 तक पूरे प्रदेश में राज्य संपर्क अधिकारी और OSD करके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी में उच्च शिक्षा विभाग में NSS की स्टेट की गतिविधियों को देखने के लिए बना. तो उसमें मुझे नया अनुभव मिला समाज में काम करने के लिए, और मैंने देखा बहुत नज़दीक से, क्योंकि हम जब NSS के कैंप लगाते थे रात को, तो फिर वो तमाम हमारे छात्र छात्राएं बताते थे कि साहब रात में रुकना जरूरी है क्या. हम कहते थे कि रात में तुम्हें रुकना इसलिए जरूरी है कि जब तुम परिवारों में जाते हो और बच्चे तमाम ऐसे हैं जो नंगे पैर घूम के आपको मिलते हैं, तमाम परिवार ऐसे हैं जिनके पास लिहाज नहीं है, आपके पास संसाधन कम है, भोजन भी उतना बढ़िया नहीं है, तो आपको उन चिंताओं को हम महसूस कराना चाहते हैं इस शिविर के माध्यम से कि कल को आप में अगर चीजों को आज विजुलाइज कर लेंगे आप,
तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर जब आप अधिकारी बनेंगे या समाज में जाएंगे तो निश्चित तौर पर फिर आगे आपका काम होगा। तो ये पूरी ऐसी लाइफ रही कि मैं फिर उसके बाद जैसे ही मैं सेवानिवृत्त हुआ उससे पहले मैं फिर बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष रहा 2010 से लेकर 16 तक। जैसे ही शासन से लौटा मैं ऐसी बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष रहा तब मेरे ख्याल से हजारों बच्चों को हमने पुनर्वासन का काम किया उसमें जुबिलेंट मजिस्ट्रेट का पद था। और अभी भी आप किसी से पूछ के देखें कि रेलवे पर जब हम लोगों की रेड होती थी तो वहाँ दूर तक बच्चे ऐसे भाग जाते थे, आरपीएफ और जीआरपी हम लोगों के साथ रहती थी। और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे नशा करते थे, बच्चे रेड पर बाम लगाते थे, वाइटनर पीते थे जी। तो मैं चूंकि पुलिस अकेडमी में पढ़ाता रहा आईपीएस बीपीएस को मैंने कई साल पढ़ाया तो पुलिस वाले चूंकि निश्चित तौर पर परिचय थे और मुझे सहयोग देते थे। मेरे एक मित्र भावेश कुमार जी जो डीजीपी इंटेलिजेंस रहे और वर्तमान में सूचना आयोग के अध्यक्ष है वो एसएसपी होते थे, उनके सहयोग से हमने तमाम बच्चों को रिहैबिलिटेट करने का काम किया। और जो बच्चे बल्कि कई मुकदमे तो आज भी ऐसे दर्ज हैं जो दुकानदार वाइटनर बेचते थे उनकी दुकानों पर रेड डलवाई तो वहाँ दुकानों पर उन बच्चों को ले गए जो बच्चे वहाँ से खरीदते थे। तो ये तमाम बच्चों के तमाम अधिकार को मैं नजदीक से मैंने महसूस किया था। समाज शास्त्र का मैं विद्यार्थी रहा, इसके बाद बाल संरक्षण आयोग का मैं अध्यक्ष बना। तो मैं दबाव से नहीं बना, प्रशासन और सभी पार्टी संगठन या सभी ये महसूस करते थे कि अगर इंस्टीट्यूशन में इसको चुनना है विशेष गुप्ता को चुनिए, क्योंकि मेरी मोटी फाइल थी, फाइल उन्होंने देखी थी, बच्चों के मैंने काम किए थे, राजनीति से मेरा कोई बहुत ज्यादा ऐसा वास्ता नहीं था जी। तो लेकिन मैं एकेडमिकली मैंने चीजों को चलाया 3 साल तक, बाकी सब काम समाज के सामने है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये मुझे लगता है अभी तो बहुत कम है जो सर ने अपने परिचय में बताया है, कार्य देखेंगे तो बहुत और काफी हद तक जो बड़े बड़े कार्य इसमें सर ने किए हैं। आज का सर जो टॉपिक है जो थीम है वो है स्ट्रीट चिल्ड्रन जी। मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये स्ट्रीट चिल्ड्रन की कैटेगरी में कौन लोग होते हैं और ये बेसिकली है कौन जिन्हें हम स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं। देखिए स्ट्रीट चिल्ड्रन का मतलब सड़क पर घूमने वाले बच्चे। सड़क पर घूमने वाले तो बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन सड़क पर घूमने वाले बच्चे जो भिक्षा मांगते हैं या फिर गाड़ी साफ करके कुछ पैसे मांगते हैं। अब नया ट्रेंड ये आया उन बच्चों में कि बच्चों को पहले दुत्कारते थे लेकिन अब बच्चे हाथ में पेन लेना शुरू कर दिया है, कुछ और सामान लेना शुरू कर दिया है जी, ताकि उन बच्चों की भावनाओं से उद्वेलन होकर लोग सामान खरीद लें और खरीद कर उसको पैसे दे दें। लेकिन अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं भिक्षा का ही रूप है जो हम देखते हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जो वो जिसमें 1 साल से लेके और उसके 10-12 साल के बच्चे, चूंकि 12-13 साल के बाद फिर बच्चा भीख मांगने में इतना जरूर है तो शर्म महसूस करता है, वो फिर और दूसरे काम में लग जाता है। तो पहले हमारी कैटेगरी ये समझने की आवश्यकता है कि लगभग 1 साल से लेके जो महिलाएं गोदमर लेकर घूमती हैं उन बच्चों को भी अगर आप रिहैबिलिटेट या पुनर्वासन करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने तमाम ऐसे उदाहरण देखे हैं कि ऐसे माँ को उस बच्चे के साथ में जब हमने नारी निकेतन भेजा तो बच्चा सुधरने की बजाय हर एक के सामने वो हाथ फैलाता था कि दे 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 दे। तो 1-2 साल का बच्चा इतना आदतन बन जाता है कि निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो ऐसे तमाम बच्चे जो गरीबी के कारण से, जो मुफलिसी के कारण से परिवार की और परिवार की सोची समझी साजिश के नाते अगर वो वहाँ सड़क पर आते हैं, निश्चित तौर पर ऐसे सभी बच्चों को हम बिना शर्म के, जो बच्चे भीख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, ऐसे बच्चों को निश्चित तौर पर सड़क पर घूमने वाले बच्चे की श्रेणी में हम रख सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर हम स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो क्योंकि बच्चा है तो कहीं ना कहीं उसके अधिकार तो जरूर होंगे, तो इन स्ट्रीट चिल्ड्रन के क्या अधिकार हैं, इनके लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं, जो हम अगर हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं आप भी कार्य करते हैं, तो अगर कोई बच्चा हमें ऐसा दिख रहा है कि उसके अधिकारों के लिए अगर हमें बताया जाए तो हम किन योजनाओं से उनको जोड़ सकते हैं, क्या उन बच्चों के अधिकार। देखिए बच्चे ने अगर जन्म लिया है तो जन्म से नहीं बल्कि बच्चे के जन्म से पूर्व के भी अधिकार, अगर वो बच्चा गर्भ में आया है तो उसको जिंदा रहने का अधिकार है, उसको सर्वाइव करने का अधिकार है, उसको जन्म लेने का अधिकार है। और अगर उसका जन्म हुआ है तो उस बच्चे को पोषण का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, उसको नाम देने का अधिकार है, उसको पढ़ने का अधिकार है। ये सारे अधिकार हमारे जेजे एक्ट में नहीं, हमारे संविधान में समाहित है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बहुत सख्त कि शादी हमने चाहे साहचर्य विवाह हमने किया हो
चाहे हम लिविंग में रह रहे हो, चाहे हमने अवैध रूप से किया हो, लेकिन उस बच्चे ने क्या गलती की है जो बच्चे का जन्म हुआ है, हम उसको अवैध नहीं कह सकते, बच्चा बच्चा है, इसलिए उन सब बच्चों के पूरे अधिकार हैं, बच्चों के जन्म से लेके और बच्चों के उस परिवार में स्थापित और विकसित होने तक हर तरीके के अधिकार हैं, जिसको समाज को बहुत सुरक्षित करके बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए जी। इसमें अगर सर हम बात करेंगे, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो इन बच्चों के लिए हैं, ऐसे जो चाइल्ड लेबर में ऐसे बच्चे, उनके लिए कुछ स्कीम्स की अगर हम बात करें। देखिए, मैं आपसे करीब 20-25 साल पहले ले जाऊँ, क्योंकि एक एजेंसी अलीगढ़ की तरफ से प्रोफेसर नूर मोहम्मद की एजेंसी बनी थी सरकार की, भारत सरकार, और उस भारत सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट से पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हम लोग इन्वेस्टिगेटर थे उसमें जी, क्योंकि हम समाजशास्त्र से जुड़े हुए थे, हम रिसर्च के लोग थे, हम बहुत घूमते थे, प्रशासन की निगाह में भी हम सब लोगों का नाम था, तो उस एजेंसी के अंतर्गत हम लोगों ने तमाम अपने समाजशास्त्र के आचार्यों को, लेक्चरर को अपॉइंट करके सर्वे कराए और तमाम रिसर्च को सामने रखा था जो बाल श्रम से जुड़े हुए शोध हुए थे। तो ऐसे लोगों को एकत्रित करके जब देखा गया तो उसमें देखा कि यहाँ की इंडस्ट्री में जो पीतल का उद्योग, खासतौर पर उद्योग पीतल का है, और पीतल के उद्योग में अब से 25-30 साल पहले तो कोई कैटेगरी उनकी नहीं थी और ना कोई अधिकारों की बात होती थी उन बच्चों की, बच्चों को सब अगर यहाँ बीड़ी बनाने का काम है तो बच्चों की उंगली चूंकि बहुत शार्प होती है, छोटी होती है, इसलिए बीड़ियों को वो रोल करने के लिए या फिर वो तमाम उसकी जो मशीन है बर्तनों को जो साफ करती हैं, घिसती हैं, उन बच्चों को उसमें लगा रखा था। ऐसे बच्चों को तमाम सांस का, दमे का बीमारी, किसी को टीबी की बीमारी, तो ऐसी बहुत आगे निकल गई। तो फिर ये क्या हुआ कि लगभग भारत सरकार ने 90 श्रम के स्कूल खोले। अच्छा। वो और वो प्रोजेक्ट था NCLP, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। हम लोगों को उसमें एक तरीके से इंस्पेक्शन का अधिकार दिया था DM वगैरह ने, क्योंकि इन लोगों ने सर्वे किया है, जानकार है, विषय के जानकार है। तो वहाँ तमाम अपॉइंटमेंट हुए, वहाँ करीब 90 जगह खरीदी गई। 90 जगह खरीदने के बाद में वो धीरे धीरे विद्यालय चले। उन विद्यालयों का लाभ ये था कि लगभग 1,000 रुपये स्टाइफंड माँ बाप को दिया जाता था। अच्छा। क्योंकि माँ बाप ने बच्चे को आमदनी का साधन मानकर उसे बाहर श्रम के काम में लगा रखा था जी। तो सरकार ने यह समझा कि जो बच्चा लगभग कमाता है, 20-25 साल पुरानी बात है, 1,000 रुपये काफी होता था, 1,000 रुपये स्टाइफंड दिया जाता था और बच्चों को स्कूल में भेजा जाता था। स्कूल में, और जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो धीरे धीरे उसमें उन बच्चों को बाकी, उसमें तो राइट टू एजुकेशन तो 2009 में आया है लगभग जी, और उसके बाद उससे बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 94-95 की बात, NCLT प्रोजेक्ट हुए और काफी लंबे समय तक चलते रहे, लाभ भी मिला उसका। लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्थानों का दुरुपयोग किया धीरे धीरे, चूंकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो प्रोजेक्ट सामाजिक लोगों के सहयोग से चलना था। टीचर को भी बहुत बड़ा स्टाइफंड नहीं दिया जाता था, 500-600 रुपये उसे दिए जाते थे, वो भी जब ग्रांट आती थी तब उसके बाद प्रोजेक्ट के मिला करते थे। तो उनका लाभ उस समय ये हुआ कि कई साल तक वो चले और बच्चों का पुनर्वासन इसलिए हुआ कि माँ बाप को फिर दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी, चूंकि सरकार और भारत सरकार शामिल थी उसमें, इसलिए वो भय की वजह से बच्चों को स्कूल में भेजते थे और कहीं नहीं काम कराते थे। तो ऐसे बच्चों को कई बाद में देखा गया कि बच्चों ने हाई स्कूल भी किया, इंटर भी किया, उसमें से थोड़ी परसेंटेज ऐसी थी निकली, लेकिन लंबे समय तक जब उन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो फिर सरकार ने वो बहुत सी जगह बंद कर दी कि पैसा हमारा खराब जाता है और उससे हमारा आउटपुट मिल नहीं जाता। तो इसलिए ये जो श्रम कानून बना है, उस श्रम कानून के अंतर्गत ऐसे तमाम बच्चों को, या मान लिया जो कंस्ट्रक्शन के काम में महिलाएं लगी हैं, जो लेबर लॉ, हाँ, जो लेबर उसमें लगी है, वो लेबर लॉज में तो आती है, लेकिन वो जे जे एक्ट के अंतर्गत भी ऐसे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, ऐसे बच्चों को काम में लगाने का, ना लगाने का अधिकार है, और उनकी माताओं को भी पुनर्वासन करने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार दिए हुए, लेकिन समाज की जानकारी और इसकी जागरूकता ना होने के कारण से वो सारे कानून इम्प्लीमेंटेशन में बंद होकर रह जाते हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। सर, एक ये चीज और कही जाती है जब ये स्ट्रीट पर बच्चे दिखते हैं तो, कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। अगर हम एक बैकग्राउंड चेक की बात करें इनके, तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे सिर्फ चाइल्ड लेबर से ही रिलेटेड है, कुछ बच्चे बाहर से माइग्रेंट भी, तो एक्चुअली में सर ये है कौन, ये देखिए कुल मिलाकर अगर बाल कोई भी परिवार बहुत प्रसन्नता के साथ अपने बच्चे को बाहर काम करने के लिए नहीं भेजता, बिल्कुल, लेकिन उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी घर से बाहर निकाल कर लाती। बिहार की स्थिति आप देखिए, मेरे तमाम उदाहरण मेरे पास है,
कोरोना में जब मुख्यमंत्री जी की सूचना विभाग से मेरे पास कॉल आती थी कि अभी कोरोना के अंतर्गत लखनऊ के चार बाग स्टेशन पर सबके सब खोके बंद हैं, सारे जितनी लोग थे उनको सबको हटा दिया गया है, वहां से भीड़ से हटा दिया गया है, ऐसे लोग ऐसे बच्चे तमाम भुखमरी के कगार पर हैं, उनके लिए गोरखपुर में पता लगा के साथ गोरखपुर में वहां से, चूंकि वो जो अभियान था उनका कैलाश सत्यार्थी जी वाली फाउंडेशन है वो तमाम हमारे साथ एनजीओ उनके हमारे साथ कोलैबोरेट करती, तो उनकी चूंकि टीम बड़ी है तो हमें खबर उसकी वहां से सीधे गोरखपुर से मिल जाती थी, और वो बस का फोटो भी उसका नंबर भी भेज देते थे वहां से कि साहब इसमें 50 बच्चे लगभग यहां से लेकर लखनऊ को जा रही है, वो गोरखपुर के माध्यम से गुजरेगी, शायद पंजाब उनको जाना था, तो हम फिर रात भर जागते थे उसमें, फिर एसपी की ड्यूटी लगाते थे, एसएसपी एसपी क्राइम की ड्यूटी लगाता था, तो रात भर हमने लगा के ऐसे 40-50 बच्चों को हमने और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जो लोग लेके जा रहे थे, और उसी प्रकार से अभी ये मेरे ख्याल से अभी करीब जब मैं आयोग में था 3-4 साल का पुराना किस्सा है कि पूरी 20-25 बच्चे यहाँ से लखनऊ से मुझे पता लगे कि साहब मुरादाबाद होते हुए जा रहे हैं, तो अपर्णा गुप्ता उस समय एसपी रेलवे थी जी, और चूंकि अपर्णा जी को भी मैंने पढ़ाया था उस समय, चूंकि आईपीएस का कोर्स आता था तो मेरा परिचय भी था, मुझे जानती थी, तो मैंने कहा कि मैडम इसको क्या आप कर रहे हैं, तो उन्होंने सारे बच्चों को उतार लिया, और उतारने के बाद उन बच्चों को उनके परिवारों को बुला के रिहैबिलिटेट किया, पुनर्वासन कराया उनका, वहां बाल कल्याण समिति को बिहार की उसको सौंपा गया, और जो ठेकेदार थे उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, उनको जेल भिजवाया गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल यह है कि जो बाल श्रमिक बच्चे हैं एक लंबे समय तक घर से बाहर इसलिए निकलते हैं क्योंकि घर में जाने के बावजूद माँ बाप गलत आदतों में पड़े हुए हैं, वो शराब पीते हैं, कई बार स्टेप मदर है, कई बार मार पिटाई होती है, कई बार संघर्ष होता है, बच्चों को भी मारा पीटा जाता है, कई बार डेलीबरेट लिंक घर की आमदनी अगर नहीं है तो भाई जा कुछ कमा के ला, क्या कमा के लाएगा कोई मतलब नहीं है, उनको आता नहीं है, उनसे पता नहीं है कि बच्चे भाई बाहर जाके क्या करेंगे, उनको तो पैसा चाहिए, तो ये जो परिवार की मुफलिसी है, परिवार की गरीबी है, परिवार की कमजोरी है, ये कहीं ना कहीं अधिकांश तौर पर बच्चे को बाहर निकलने के लिए एक तरीके से सोशल और एक फैमिलियर जो कंडीशन दबाव है परिवार का बहुत, उसकी वजह से बहुत बड़ा, बिल्कुल सीधे। सर अगर हम इनके रिहैबिलिटेशन की बात करें तो हमारे पास में क्या ऑप्शंस होंगे? एक तो हम मानते हैं कि अगर इनको अच्छे एजुकेशन दी जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है, एक अच्छे एनजीओ में इनका एनरोल कर दिया जाए, इनको फुल टाइम टेक केयर इनकी की जाए, बट इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस होंगे ना सर रिहैबिलिटेशन? हाँ, इसका देखिए कारण ये है कि अभी हमने बार बार चर्चा की कि परिवार की गरीबी और मुफलिसी के कारण से बच्चा बाहर निकलता है या भेजा जाता है जी, या परिवार में अगर पैसे कम है तो झगड़ा होता है ना, परिवार के लिए बच्चों को जन्म देने के लिए मनोरंजन का साधन और कोई उनका है नहीं, तो इसलिए वहां देखे वहां महिलाओं का भी जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन है और पुरुषवादी संस्था के अंतर्गत वो जबरदस्त हावी रहता है, महिला बहुत कमजोर स्थिति में होती है और हर साल बच्चों को जन्म देने के लिए तो इतना बड़ा आमदनी का साधन नहीं है, तो निश्चित तौर पर गरीबी बढ़ेगी, तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकार की तमाम गरीबी से जुड़ी अनेक योजनाएं, श्रम अगर आप देखेंगे श्रम विभाग में जाकर तो जो महिलाएं काम कर रही हैं, जिन महिलाओं की लड़कियां हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी की अलग योजना है, पढ़ाने की भी लिखाने की भी बाद में शादी करने की भी, जो लड़के हैं उनके लिए अलग, आपने देखा अभी जैसे कन्या सुमंगला योजना और अटल विद्यालय इसी के लिए तो खुले हैं, इसके लिए खुले हर जिले में जो अटल और लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय खुले हैं, वो आवासीय है तो आवासीय है, तो सुविधाएं तो है लेकिन आम जनता को भी इस बात का पता नहीं है, आप जैसी एनजीओ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकारी योजनाओं के बीच में और ऐसे टारगेट ग्रुप के बीच में एक ब्रिजिंग करें, एक सेतु बनाएं ताकि ऐसे लोगों को हम ठीक प्रकार से रिहैबिलिटेट कर सकें। आप ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कोई भी बच्चा जिसको अधिकार है बचपन में जीने का, जिसको अधिकार है पोषण लेने का, जिसको अधिकार है उसको जिंदा रहने का, और उसको अगर बचपन नहीं मिलता, बचपन अगर घायल अवस्था में होता है तो ना जवानी ठीक जी पाता है ना वो बुढ़ापा ठीक जी पाता है, इसलिए बच्चपन को बचाना बहुत जरूरी है, वहां जब बच्चे को सीने से लगा दी है तो दुनिया का कोई भी स्नेह वात्सल्य उसको नहीं मिल सकता, ये मानकर चलिए उसे, और माँ से बच्चा अगर अलग होता है तो फिर कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की प्रवृत्तियों में प्रवेश करता है जहां से वो प्यार ढूंढ सके, कोई उसका हाथ पकड़ के ले जा सके, कोई उसके कमर पर हाथ रख ले, अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा कर दे,
और नहीं है तो निश्चित तौर पर उसको तमाम ऐसे बच्चे मिलते हैं जो इनमेट्स होते हैं, वो धीरे धीरे उसको उसी तरफ ले जाते हैं और बच्चा धीरे धीरे बाल अपराधी बनना शुरू हो जाता है और फिर बाल अपराध करते हुए उसको सेडिस्टिक प्लेजर मिलता है। निर्भया कांड में वो लापरवाही अच्छा था, वाली बच्चे को आप देखिए बदायूं का रहने वाला था, बदायूं वो उसकी कहानी मैंने पूरी पढ़ी। उसको पहले यहाँ श्रमिक बनाया गया बदायूं में, फिर मारा पीटा गया, फिर होटल पर रखा गया, होटल के बाद फिर वो माँ बाप थे नहीं या माँ बाप शराबी थे या परिवार विघटित था, उसके बाद दिल्ली चला गया, दिल्ली में वो फोरमैन बना या दिल्ली में ट्रक क्लीनर बना। तो मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार की जो बड़ी घटनाएं हैं वो होशो हवास में तो होती हैं, लेकिन उस वैसे बच्चों के मस्तिष्क में एक ऐसा आक्रोश रहता है जो कहीं ना कहीं समाज से प्रतिशोध के रूप में सामने आता है। ये एक रिटेलियन है, एक 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 बहुत बड़ा प्रतिशोध है जो उसके मन में, क्योंकि उसको बचपन नहीं मिला, संस्कार मिले नहीं उसको, संस्कार उसको संस्कृति का पता नहीं है, परिवार कहाँ है उसको अपनी जड़ों का पता नहीं है, समाज में क्या हो सकता है कोई विजन उसके पास है नहीं, शिक्षा उसके पास है नहीं जो उसको दृष्टि दे सके, तो वो जिस तरफ मुड़ता है उस तरफ उसी प्रकार का समाज उसे मिलता है जो धीरे धीरे उसको बाल अपराधी की तरफ ले जाता है, बड़ा अपराधी बनकर निकलता है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं इनके कनेक्शंस देखे जाए तो शुरुआत वहीं से ही है, पूरे 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 संगठित अपराध का हिस्सा बन जाते हैं सर। इसको मतलब ये अपराध तो है बिल्कुल, और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है हमारे पास, क्योंकि आपने अपराध की बात करी तो एक चाइल्ड क्रिमिनोलॉजी भी है, अगर हम उसके विषय में बात करें तो क्या मतलब एक बच्चा कैसे वो अपराधी बना, आपने उसको बताया, उसको थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहिए। देखिए बच्चे में अपराध का तात्पर्य ये होता है कि समाज के कानूनों का उल्लंघन करना जी, और किसी प्रकार का, चाहे वो चोरी करता है, चाहे वो सामान उठाता है, सामान उठा के चाहे भागता है ना, या फिर जेब काटता है, ये सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं। मैं फिर अलौट के आता हूँ, बच्चे को अधिकार है शिक्षा का, बच्चे को अधिकार है उसके बचपन को बचाने का। ये उसका बचपन अगर नहीं बचेगा तो मैंने बताया जवानी भी नहीं बचेगी, इसलिए बचपन में रहते वो सीधे जवानी में कदम रखता है, जवानी देख ही नहीं पाता, इसलिए बचपन की जो संस्कृति है, बचपन का जो संस्कारों का ढांचा है वो उससे बिल्कुल अछूता रहता है। उसको पता ही नहीं है कि मुझे समाज में किनके साथ जीना है, किसके साथ रहना है, माँ कौन है, पिता कौन है, बहन कौन होगा, वो नहीं जानता इस बात को। और प्रेम और स्नेह है नहीं, बिल्कुल, तो जब प्रेम और स्नेह नहीं है तो वो उसी की तलाश में रहता है। और धीरे धीरे मोबाइल अब हाथ में आ गया है, मोबाइल हाथ में आने के बाद जो पोर्नोग्राफी है, जो खराब प्रकार का साहित्य हमारे सामने आ रहा है, जिसमें आप केवल ये कह दीजिए कि आप 13 साल से ज्यादा हैं, उसने दबाया उसमें सारा पोर्नोग्राफी लिटरेचर, बिल्कुल, अगर वो देखेगा तो प्रयोगशाला कौन सी है उसके पास, बिल्कुल, समाज। और यौन अपराध के बढ़ने के पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो हमारा केवल ये कहना है कि इन सब बच्चों को बचपन को बचाने की आवश्यकता है, और बचपन आप जैसी संस्था निश्चित तौर पर काम कर रही है, आने वाले समय में इनको अपराधी बनाने से बचा रही है, इनका बचपन बचा रही है। और आपने महसूस भी किया होगा कि जिन बच्चों को आपने सड़क से उठाया, जिन बच्चों को गरीब परिवारों से आप लाए, उसका परिणाम भी सिखाने का, क्योंकि वो आप ही को माँ बाप समझ रहे होंगे, आप ही को भाई समझ रहे हैं, आप ही को परिवार समझ रहे हैं, आप ही को वो पीयर ग्रुप समझ रहे हैं, और अपनी बात भी शेयर करते हैं धीरे धीरे। तो बच्चे के पास पहुंचने के, बच्चा चाहता है कि कोई मेरी उंगली पकड़ के मुझे टहराया कम से कम, मुझे बताया कि किधर जाना है, क्या जाना है, और समाज की उसकी अपनी पारिवारिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां उसको ऐसा करने से बच्चों को रोकती है, तो बच्चा दबाव से कहीं ना कहीं बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो फिर वो भागता है धीरे धीरे, और भाग कर कहाँ चला जाता है, किस संगठित अपराध का हिस्सा बन जाता है, फिर इसका कोई पता नहीं चलता। सर ये बहुत सही बात आपने बोली, हम लोग का भी यही प्रयास है कि बच्चा कहीं ना कहीं चाइल्ड क्रिमिनोलॉजी जो है, ये चाइल्ड क्राइम्स हो रहे हैं, इनसे बचे। और हम लोग के करिकुलम में ये चीज हमने ऐड करी है कि बच्चा जब सुबह जब आए तो उससे ये जरूर पूछा जाए कि कल घर जाने के बाद में क्या किया। बिल्कुल, तो वो अपने घर का पूरा बताता है शेड्यूल कि मैंने आज ये खाया, मम्मी से ये बात हुई, पापा से ये बात हुई, अब वो बोल पा रहा है, वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो अगर उसे गुस्सा आता है तो वो एक्सप्रेस करता है। और धीरे धीरे जब वो मान्य जैसे भिक्षा मांगने के लिए जाता है जी, तो भिक्षा मांगना भी धीरे धीरे उसकी आदत बनती है, जब आदत बनती है तो फिर वो संस्थापित हो जाती है, मतलब गहरी रूट चली जाती है। इसके उसको सुधारने के लिए अगर आप धीरे धीरे उस पर ये शिक्षा का मुलम्मा अगर चढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो यहाँ से उसको भूलना शुरू कर देगा, और जब वो उसको भूल जाएगा तो एक अच्छी जिंदगी जीने की ललक उसमें पैदा होगी, ताकि आने वाले समय में वो एक अच्छा समाज का बेहतर और उपयोगी मीनिंगफुल आदमी बन सके।
ना सर, इसमें एक मैं समझता हूँ कि एक रोल ये भी है, बस दो क्वेश्चन और हमारे रह गए। एक ये कि सर एनजीओ अगर हम देख रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इनका क्या रोल है अगर हम देखें सोसाइटी में ऐसे स्ट्रीट चिल्ड्रन को रिस्टोर करने में? देखिए एनजीओ बहुत काम कर रही है, कुछ ऐसी है जो बैकग्राउंड में है, पृष्ठभूमि में है, लेकिन कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो केवल दबाव से काम कर रही हैं, केवल आमदनी और मुनाफे की बात करती हैं और कोशिश करती हैं कि समाज में चुपचाप रहकर वो धीरे धीरे काम, ऐसी तमाम आपको मिलेंगी जो शिक्षा के लिए भी काम कर रही हैं, जो बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन जब कभी भी इस प्रकार से ग्रांट हो उसकी बात आती है तो बाहर निकल गया। आप जैसी संस्थाएं बहुत कम है, जैसे मैं पराग ह्यूमन फाउंडेशन में गरिमा जी की कई बार मुझे जाना हुआ और उन परिस्थितियों को देखकर मुझे कई बार आंसू आ जाते थे कि वो उसके पास स्थान भी नहीं है, बरसात होती है तो भागना पड़ता है, दीवार को उसने ब्लैक बोर्ड बना रखा है, नीचे फर्श बिछा रखा है, सामने की तरफ जो लोग हैं वो शराब पी रहे हैं, बाहर के हैं, बांग्लादेशी हैं, इस तरीके के लोग हैं, लेकिन उसके जज्बे में मैंने कमी नहीं देखी। ये जज्बा ही परिणामकारी बनता है। आपका जज्बा है, आपके परिवार वाले बाकी सब जब चर्चा करते थे हम लोगों से, तो मैंने कहा ये कपिल अगर की एनजीओ काम करे तो इस स्वभाव से काम कर रही है, दबाव से नहीं, और काम का परिणाम स्वभाव से ही आता है बिल्कुल। तो जो एनजीओ, मुझे लगता है कि एनजीओ को भी कहीं ना कहीं आपस में कलर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, लेकिन कई बार ये रहता है कि हमारे सामने पहचान का संकट है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, ऐसा ना हो हमारी की पूरी पूरी उसमें मर्ज हो जाए और वो कहे साहब तो पूरी की पूरी परिवर्तन जी चेंज ही बन गए साहब, हमारे अस्तित्व खत्म हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रयास सर हम लोग का रहता है कि हम कभी भी अगर समान विषय पर कार्य करने वाली संस्थाएं तो एकजुट होकर के चेंज भी तभी दिखाई, परिवर्तन भी। आप देखिए पूरी दुनिया में कोलैबोरेशन, मोदी जी जाते हैं कितने देशों से समझौते करते हैं, जो सामान आप पर है वो आप दे दो, जो सामान हम पर है वो हम आपको दे दें। पूरी दुनिया में आने वाले समय में चाहे हमारा काम हो, चाहे परिवार हो, चाहे साझा कार्य हो, इसको अब कहीं ना कहीं समान आधार पर हमें कोलैबोरेशन चाहिए जी। और जब हम आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो समाज में परिवर्तन दिखाई देगा। अगर हम प्रतिबद्धता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ अगर समाज में परिवर्तन करने की हम ठान लें, तो ऐसे एक एक आदमी देश की आजादी में आप देखें जिन्होंने पूरी जान दे दी अपनी, लेकिन था कि भारत माता को बेड़ियों से आजाद कर, बस एक ही कुछ नहीं की कुछ कोई कुछ चले, बर्बाद हो गए परिवार में सब चले गए, बहुत से नाम लेने वाले नहीं है। तो ये जज्बा अगर आदमी में है तो आपको परिवर्तन दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपस में समान जो सोच, जो जो लाइक माइंडेड है, एक जैसी सोच वाले लाइक माइंडेड हो, उन सब लोगों को बैठकर आपस में विचार करने, क्योंकि समाज इतना बड़ा है, हमारे बच्चों को पढ़ाने की आप बात करोगे तो आप नहीं कर सकते पूरा काम, समय तमाम संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी कुछ ऐसे। और इन बच्चों को आपको बचाना इसलिए जरूरी है कि जिस हम 2047 में जिस विकसित समाज की बात कर रहे हैं, ये बच्चा अगर उसी की वजह है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं समाज में, समाज के लिए बहुत बड़ा घातक होगा समाज के लिए, इसलिए बचाना बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट है। सर एक मैं इसमें लास्ट क्वेश्चन ये लेना चाहूंगा कि अगर हम लोग एज एक सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी का क्या रोल हम समझते हैं ऐसे बच्चों को रिहैबिलिटेट करने के लिए? इस पर मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक टॉपिक आप और कवर करें, वो ये कि अगर हम एज अ सोसाइटी अगर हम देख रहे हैं तो हम बेगार को प्रमोट करना चाहिए या दे करके हम सिर्फ पैसे दे करके सामान खरीद करके उस बच्चे से अपनी जिम्मेदारी जा। देखिए बहुत स्पष्ट है, मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को, मैं किसी बच्चे की रिक्शा में नहीं बैठा आज तक जी, मैंने आज तक किसी बच्चे को कोई पैसा नहीं दिया। इसका उदाहरण अभी जब मैं आयोग में था तो मैं बताता हूँ, मैं कुंदन स्वीट के सामने मैं खड़ा था शाम को, मुझे अच्छा नहीं लगा कि बच्चे मांग रहे थे शाम को जी, और बच्चे मांग रहे थे तो मैंने तुरंत ये चाइल्ड लाइन को मैंने फोन किया और मैंने उस बच्चों को रेस्क्यू कराया। वो स्कूटर लेके आया लड़का, मैंने दोनों को बैठाया, कैमरे लगे हुए थे, मैं दोनों को भाग रहे थे मैं बैठा रहा, तो एक लड़के को मैंने और साथ में भेजा कि जाइए। उसमें वो जब चाइल्ड लाइन ऐसे बच्चों को ले जाती है, रेस्क्यू करती है, तो वो जीडी में दर्ज कराती है और जीडी में दर्ज कराने के बाद 24 घंटे का उसको अधिकार है, उसके सामने फिर वो बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करती। तो अभी पिछले दिनों वहाँ चूंकि शनिवार का दिन था, माँ बाप तो वो जो मुरादाबाद का सिविल लाइन्स का शनि मंदिर है वो वहाँ पर बैठे हुए मांग रहे थे, बच्चों को उन्होंने यहाँ इस पर कुंदन स्वीट पर छोड़ दिया था। तो मैं चूंकि शाम को किसी काम से आया तो मैंने देखा उदाहरण, तो उसके बाद फिर पुलिस को भी जो व्यक्ति रात को ड्यूटी पर था उस सिविल लाइन्स के थाने में,
उसने भी निश्चित तौर पर जीडी को नहीं देखा होगा, और इधर रात को 9-10 बजे जब इस परिवार को बच्चे नहीं मिले तो फिर पुलिस के पास चले गए सीधे सीधे। उनको ये पता था इस बात का कि मैंने इन बच्चों को मारने के लिए कुंदन पर छोड़ा, जब कुंदन पर उन्होंने देखा बच्चे नहीं मिले तो वो मुझे समझाते ही मुझे, तो वो बच्चे फिर चले गए। तो वो फिर उस स्वीट वाले ने बताया कि वो डॉक्टर साहब ने बाल सुरक्षा के अध्यक्ष वो थे मामला। वो जब थाने पहुंचे तो थाने के जीडी में दर्ज था, लेकिन जो ड्यूटी बदल गई थी ड्यूटी के बाद जो दूसरा आया उसको ये नहीं जानकारी थी कि जीडी में इन बच्चों का दर्ज है। तो उसने सुबह को मुझे बहुत खराब भाषा का प्रयोग किया उसने, आप कौन है, कहाँ रहते हैं, आपने बच्चे आप थे उसमें, बच्चे आपने उठवाए। तो मैंने कहा कैसे बात कर रहे हो तुम, किससे, क्योंकि आप कोई भी हो सब इस बात से बात क्या था। मैंने कहा अच्छा थोड़ी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं तुझे। मैंने फिर ऐसे फोन मिलाया, उनने फिर उसको लाइन हाजिर तुरंत कर दिया, इसलिए कि तुम पता होना चाहिए कम से कम कि आप कौन है, आयो कौन है, कौन बोल रहा है। ले गया तो घोषित तौर पर अगर कोई बच्चे का इस तरीके से रेस्क्यू करना होगा तो कैमरे को बंद कराएगा, कैमरे को तोड़ेगा, कैमरे को कुछ और करेगा, और एक एक जिम्मेदार व्यक्ति ने अगर कैमरे के सामने यहाँ से अगर बच्चों को रेस्क्यू कराया है तो ये बाल आयोग की ये जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों को पुनर्स्थापन कराने के लिए रेस्क्यू करा के अभी समाज में इस प्रकार की जागरूकता नहीं, लोग असल में उनकी जो उनकी भावनाएं हैं उससे उद्वेलित होकर पैसे देते थे, लेकिन अगर हम पैसे दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको भिखारी बनाते हैं, और लंबे समय तक भिखारी बनाते बनाते वो धीरे धीरे अपराध की तरफ जाएगा। इसलिए मेरा केवल एक अपील है कि पूरे समाज के जिम्मेदार लोगों से कि ऐसे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इनके पुनर्वासन का प्रयास करें। केवल पैसे इनको देने के बावजूद हम इनके परिवार की गरीबी दूर नहीं कर सकते, बल्कि उस पैसे के माध्यम से ये बच्चे कहीं नशा करेंगे, कहीं कोई और तंबाकू खरीदेंगे, सिगरेट खरीदेंगे, कुछ और चीजें करेंगे, तो इसका मतलब सीधा कि हम उसे धीरे धीरे क्राइम की तरफ ले जाते हैं। तो ये भी मेरी अपील है सभी से, सभी एनजीओ के व्यक्ति जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, कभी किसी भी भिखारी को अगर आप पैसा देते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके भिक्षापन को आप एक्सटेंड करते हैं, विस्तार देते हैं, उसको बढ़ाते हैं। सर क्योंकि आपने लगभग 3 साल जो है वो सेवाएं दी हैं स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में एज अ चेयरमैन, मैं एक कोई भी एक ऐसा केस जानना चाहता हूँ आपसे जो बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब हो, जिसका आप वर्णन यहाँ करना चाहें विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन। हाँ नहीं, ऐसे ऐसे कई केसेज हैं जहाँ पर नाबालिग बच्ची को मान लिया मार दिया गया, उसको चला के मार दिया गया। चूँकि मैं प्रदेश का चूँकि मैं अध्यक्ष था तो इसलिए मंत्री जी की भी निगाह रहती थी, विभागों की भी निगाह रहती थी कि आप अध्यक्ष होने के नाते क्या कर रहे हैं। और ऐसे केसेस जो पूरे देश में समाचार पर टेलीविजन में ऐसे, तो अब कई बार ऐसे केसेस हुए जिसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर गया और पूरे परिवार की स्थिति देखकर मैं उद्वेलित हो गया कि परिवार में कुछ नहीं है, परिवार में लड़की को जला के मार दिया गया। तो मैंने ऐसे वक्त में मेरा ये था जो मैंने अभी भी आपसे कहा कि उस परिवार की गरीबी के लिए योजनाओं से उसको नहीं जोड़ेंगे तो ऐसी घटना में सारे अधिकारी तो जुटेंगे लेकिन उसके बाद उसका परिणाम शून्य। तो मैंने ऑन द स्पॉट अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है तो बुलाओ अभी एसडीटी इंजीनियर को, पास होगा एसडीएम बैठे हैं तो मनरेगा में, उसका पिता बिल्कुल बेरोजगार है तो उसको मनरेगा में उसको नौकरी दिलाओ, घर के लिए अनाज उसको दिलवाओ, मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री की योजना घर। तो ऐसे दर्जनों केस हैं जिस केसेस में तमाम पूरे प्रदेश में इसकी तारीफ हुई थी कि कम से कम आयोग ये काम करता है, सारे अधिकारी को घटना स्थल पर बुलाकर वहीं पर सारी सुनवाई करता है। और ये नहीं करते केवल, इसको फॉलोअप करने का काम भी आयोग का है कि वो सारी सुविधाएं उसे मिली कि नहीं मिली। यहाँ चंदौसी का भी केस है, यहाँ बुलंदशहर का भी केस है, यहाँ हाथरस का भी केस है, ऐसे तमाम दर्जनों केसेस हैं और तमाम ऐसे केसेस हैं। यही समय की मांग है, बिल्कुल बिल्कुल, कि वहां जाकर घटना स्थल पर अगर आपकी जिम्मेदारी है, इफ यू हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटीज योर ड्यूटी जस्ट टू गो ऑन द स्पॉट एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक है ना सर। एक लास्ट में इसमें आपसे पूछना चाहूंगा, एक कोई छोटी सी अपील जो आप करना चाहें, मतलब एक आपके थ्रू अगर कोई अपील जाएगी जिससे हमारी ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा अपील, जो भी ऑडियंस सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ी है, मेरा केवल एक निवेदन है कि बच्चों के बचपन को बचाइए। ये तो हम केवल स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चों का बचपन घर में भी नहीं बच पा रहा जी। बच्चों को हमने ऐसा ज्ञान की बोतल में ऐसा ढक्कन लगा दिया है
कि हम उस बच्चे को जानने समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे को जानो, बच्चा क्या कहना चाहता है, बच्चे की सुनने की बात करो, उसके साथ बैठो, उसके साथ खेलो, उसकी बात को सुनो, बच्चा क्या चाहता है। केवल स्कूल के पाठ्यक्रम के दबाव के कारण से हम उसको बिल्कुल उसका जो मूल व्यक्तित्व है उसको हमने अलग कर दिया है और स्कूल के व्यक्तित्व में उसको ऐसा बांध दिया है जो केवल पाठ्यक्रम में, वो केवल पढ़ने में, वो केवल एग्जाम में और वो केवल मोटे बस्ते के साथ ऐसा बांध गया है कि वो बीमार हो रहा है। ये स्ट्रीट चिल्ड्रन के अलग जाकर ऐसे बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। बस मेरा केवल ये है, जैसे बैंक में आप केवाईसी भरते हो तो अपने घर में भी केवाईसी का मतलब नो योर चाइल्ड। बहुत अच्छा टर्म है जो सर ने बता दिया। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, जो बैंक में रखते हैं, लेकिन केवाईसी नो योर चाइल्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने फैमिली में अगर आपका बच्चा है तो आप उसको जानने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात सर ने बताई और मुझे लगता है ये एक घंटे का सेशन इसके लिए संभव नहीं था कि इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाती, बट आई थिंक जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे कहीं ना कहीं जितनी हमारी ऑडियंस हमसे कनेक्टेड है उनको ये जानकारी ज़रूर मिलेगी और ये जानने का ज़रूर प्रयास आज हमने किया कि स्ट्रीट चिल्ड्रन कौन है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ सोसाइटी जो हमें पूरी करनी है। एज एन एनजीओ हम जो कर रहे हैं वो एक छोटा सा अंश है जो हम कर पा रहे हैं समाज में, बट एज अ सोसाइटी अगर हम देखें तो समाज के विभिन्न वर्गों को साथ में लेकर के अगर कार्य किया जाए तो निश्चित तौर से हम लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए और ऐसे बच्चों के लिए जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। और मैं एक बार पुनः सर आपको और बहुमूल्य समय दिया इस सेशन के लिए, और आप सब लोगों से एक बार अपील करूंगा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हो पाए जो हम लोग लेकर के आए हैं। ये वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आपके समाज में व्याप्त है लेकिन आप इनके बारे में पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इन वीडियो के माध्यम से ये चीज़ आपको बताई जाती है ताकि बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप इन चीज़ों को समझें और इसमें जो मिली जानकारी है उसको आत्मसात कर समाज के बेहतरी के लिए इसको यूज करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। थैंक यू। कृतज्ञता के भाव अभिव्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।